गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। डे 3, वी आर पुशिंग बैक टू आवर होम्स। इट्स 500 किलोमीटर राइड, विल टेक एट लीस्ट 10 आवर्स। सो दैट्स इट, एवरीबडी इज ऑन द रोड। थोड़ा रेंज, लेट मी चेक। हंड्रेड एंड सिक्स किलोमीटर्स की रेंज है, तो आई नीड टू रिफ्यूल ऑल्सो ऑन अ प्रायोरिटी बेसिस। बाय बाय ओरछा, हो गया ओरछा काम। ओरछा तो रात को आए थे यहाँ पे, ये तो कुछ भी नहीं चेक कर पाए थे कि ये रास्ता कैसा है क्या है। तो नाउ वी आर हेडिंग इन डे टाइम, तो देखते हैं हाउ ब्यूटीफुल इज ओरछा। थोड़ा सेमी हिल्स है बट यहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा है। और थिंग इज कि इसमें यहाँ पे वैसे वाला पॉल्यूशन नहीं है, धूल मिट्टी है बट वो दिल्ली वाला पॉल्यूशन नहीं है। स्काई सो क्लियर है और रात में तो मतलब वी कैन सी द मून ऑल्सो एंड विद अ जूम शॉट वी कैन मतलब चेक द स्पॉट्स ऑन द मून। सो गुड बाइक, कल भी चेकआउट किया पूरा ओरछा हमने, राम मंदिर एंड हनुमान मंदिर, लक्ष्मी टेम्पल ऑल्सो, जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग। देयर इज अ बेतवा रिवर एंड देन देयर इज अ जामुन रिवर ऑल्सो, देन देयर इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वॉट एवर वी कैन एक्सप्लोर इन अ डे वी एक्सप्लोर्ड। सी जब भी वापस जाते हैं ना राइड से, तो बड़ा टायरिंग फील होता है, बिकॉज आते समय तो एक क्रेजीनेस होती है कि हम चलना है चलना है चलना है, नीड टू रीच द डेस्टिनेशन। वाइल पुशिंग बैक तो थोड़ा सा वो होता है। ये अंडर पास आ गया, रात को जब आए थे यहाँ पे तो पानी भरा हुआ था। हार्ले के साथ फैट बॉय के साथ यही प्रॉब्लम है, ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है तो बड़ी दिक्कत होती है, तो देख के चलाना पड़ता है। हाथी हाथी हाथी, सो फार वी गॉट 50 किलोमीटर्स एंड मतलब रोड अभी तक तो ठीक है, ट्रैफिक है, ट्रक्स हैं, बहुत कुछ है, somehow we are able to manage the speed of 100-120. और कैटल्स भी हैं तो रिस्की ऑल्सो। लेट्स सी, वी हैव टारगेटेड कि अगले दिन बोले एटलीस्ट 80 किलोमीटर और चलाएंगे, उसके बाद वी विल स्टॉप फॉर अ टी ब्रेक। 80 किलोमीटर में वी विल गेट ऑलमोस्ट मतलब आगरा का मिडवे तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे, तो एक बार आगरा पहुँच के फिर तो स्ट्रगल ही खत्म उसके बाद। So we just stopped at this Vistrat A Punjab just for a small tea break and a water break. So far we covered 100 kilometers only. There are another 150 kilometers to reach Agra and that's the most stressful stress. So far 11:21, I think we will reach by 12. Let's roll. सॉलिड माउंटेन, बीच में लेक। आफ्टर ऑल स्ट्रगल विद दी स्टूपिड हाईवे ऑफ ग्वालियर, उसके बाद वो गाँव वाला रास्ता, उसके बाद वो ऑफ रोडिंग वाला रास्ता, फाइनली ताज एक्सप्रेस वे पे आ गए हम यहाँ से। मतलब पूरा हाफ आवर से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए टू माई होम, तो यहाँ तो एक भी बम्प नहीं है, नथिंग इज देयर, तो राइड विल बी सो स्मूथ। Plan to have our breakfast at Mathura toll. वहाँ breakfast करके निकलेंगे मथुरा से। माई हाउस इज अबाउट मैक्सिमम 150 किलोमीटर, तो
एस्टिमेटली टाइम था अप्रॉक्सीमेटली उसी के आसपास पहुँच गए विदाउट एनी हसल. ओनली हसल इज सोनल सर की बाइक का पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. उनका रेंज दिख रहा है 25 किलोमीटर और हमें जाना है 35 किलोमीटर टू रिफ्यूज. तो लेट्स सी उनकी 310 कितना एवरेज देती है कि नहीं देती है. उधर ही रीच इज लोकेशन. चलो स्माइल करो स्माइल करो. यही है वो बाइक जो रिजर्व के नीचे चल रही है. हाँ यहाँ पे हमें लंच करना है. यहाँ से लंच करके हम लोग फिर निकलेंगे. तो यहाँ हम बाइक्स पार्क कर रहे हैं अपनी. यहाँ से माय हाउस इज अबाउट कितना 150 किलोमीटर. तो आई विल टेक अनदर 2 आवर्स टू रीच माय हाउस फ्रॉम हियर. कभी के लिए जेवर. यहाँ से वी हैव टू कवर अनदर 60 किलोमीटर्स. तो एवरीबडी इज देयर. तो सो फार वी आर ऑन अवर टारगेटेड टाइम. सो फाइनली हम पहुँच गए हैं ग्रेटर नोएडा. तो यहाँ से ऑन चला जाएगा रेस्ट. हम लोग आगे चलेंगे. अब ऑन आ जाए तो उसको एक बार बाय बोल देते हैं. तो यहाँ से मेरे को 25 मिनट और लगेंगे एग्जैक्ट घर पहुँचने में. सो फार सो गुड. टाइम से पहुंच गए. एवरीबडी सेफ एंड साउंड. फाइनली रीचिंग बैक होम. लुक एट दिस ब्यूटीफुल सनसेट. सनराइज पे चले थे सनसेट पे पहुंचे. इट्स एग्जैक्ट 10 आवर्स राइड. सो नोएडा वेलकम्स अस विद दिस ह्यूज ट्रैफिक. पता नहीं कहाँ से इतना ट्रैफिक यहाँ समझ में नहीं आया. बिल्कुल यमुना एक्सप्रेस वे पे भी काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक था. सो फार यहाँ से मेरे को लगे कि 15 से 20 मिनट अपने घर पहुँचने में. तो इट्स अ गुड ट्रिप ओवरऑल. 1000 किलोमीटर्स बाइक चलाई ऑलमोस्ट फ्रॉम नोएडा टू ओरछा देन बैक. फन लविंग काइंड ऑफ राइड. तो थोड़ा सा ट्रैफिक वाला कंस्ट्रेन था फ्रॉम आगरा टू झांसी. ग्वालियर वाला जो रोड है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है. रोड टूटा भी हुआ है जिस ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है. 1000 किलोमीटर्स एंड वी कितना ऑलमोस्ट मतलब पहले हमने 11 घंटे लगाए थे और अभी हमने 10 घंटे लगाए. ऑलमोस्ट 23 आवर्स हम लोगों ने राइड किया है. और दिस एंटायर ट्रिप अगर मैं सेकेंड डे का काउंट ना करूँ तो ऑलमोस्ट वालों 24 घंटे राइड किया है. 1000 किलोमीटर्स इट्स अ गुड राइड. आई कंप्लीट 20,000 किलोमीटर्स और मैं हारने वाला हूँ. सो फार सो गुड. घर पहुँचते हैं रेस्ट करते हैं. कल से फिर से वो नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो जाएगी. ऑफिस 8 to 8 8 इन 8 आउट. मिलते हैं दोबारा की संडे में. कीप वॉचिंग कीप सब्सक्राइब कीप लाइक. लव यू ऑल. टेक केयर. बाय.